हाय स्टूडेंट, दिस इज गोविंद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जी स्टडी। आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे यम कॉम के कोर्स डिटेल के बारे में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे यम कॉम क्या होता है, यम कॉम कितने साल का होता है, यम कॉम की सैलरी, फीस, एलिजिबिलिटी और स्कोप क्या है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यम कॉम का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। यह एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि यम कॉम क्या होता है। यम कॉम एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो कि 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। इसमें सेमेस्टर सिस्टम से एग्ज़ाम होता है। अगर इसकी स्टडी की बात की जाए तो इसमें आप कॉमर्स, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसके स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो इसमें आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर करियर अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो आप कोऑपरेटर और फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं। यम कॉम कोर्स को चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी एंड इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विस के एंट्री पॉइंट के प्रोफेशन से माना जाता है। कॉम करने के बाद आपके पास जो एक और जॉब अपॉर्चुनिटी आती है वो लेक्चरर की होती है, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के बन सकते हैं। यम कॉम के अगर एडवांटेज की बात की जाए तो इसमें आप इन डेप्थ नॉलेज आप गेन करेंगे, जो कि आप बी कॉम के अपग्रेडेड वर्जन में रहेगा और आपको और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, जिससे कि आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। वाइडर स्कोप, इस यम कॉम करने के बाद आपके लिए कई सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो आ जाएंगे, जैसे लेक्चरर का फाइनेंस और अकाउंटिंग फील्ड में आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा। अगर आप यम कॉम के बाद भी स्टडी करना चाहते हैं तो आप एम कॉम के बाद पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा और इसको करने के बाद आपको और भी इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा सब्जेक्ट के बारे में। यम कॉम की अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपको बी कॉम कम्प्लीट किए होना चाहिए, जिसमें कि आपको लगभग 50% मार्क मिनिमम होता है। हर एक यूनिवर्सिटी में ये डिफ़र करता है कि वो कितने परसेंट पे आपको एडमिशन देंगे। यम कॉम की अगर एडमिशन की बात की जाए तो आप मेरिट बेस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। यह हर एक यूनिवर्सिटी में डिफ़र करता है। इस यम कॉम आप डिस्टेंस से और रेगुलर से दोनों से कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से करना चाहते हैं। यम कॉम के अगर स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अकाउंटिंग में आप एम कॉम कर सकते हैं। या आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से स्पेशलाइजेशन से एम कॉम करना है। यम कॉम के अगर फीस की बात की जाए तो एवरेज फीस इसका है 30,000 से 50,000 रुपये पर एनम। यह हर एक यूनिवर्सिटी पे डिफर करता है। अगर इसके सैलरी की बात की जाए तो लगभग 2 से 6 लाख रुपये आप पर एनम कमा सकते हैं। अगर इसके एक्सपीरियंस बेस पे सैलरी की बात की जाए तो अगर आपको 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको 2 से 5 लाख रुपये पर एनम मिलेंगे। अगर आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 से 6 लाख रुपये पर एनम मिलेंगे। अगर आपको 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस है 6 से 10 लाख रुपये पर एनम मिलेगा। एम कॉम के अगर करियर अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो आप ऑपरेटर, मैनेजर, फाइनेंस कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंटेंट और बिजनेस एनालिस्ट जैसे जॉब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।